और लखनऊ में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के घर की छत से पानी टपक रहा है। लखनऊ में बारिश से काफी जलभराव है। मुख्य सड़कों के साथ साथ कॉलोनी की सड़कें भी बारिश से खराब हो गई हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना काफी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन और नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तो सड़कों की हालत तो खराब है ही, लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो लखनऊ की है और सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री के घर की है। उनकी घर की छत से भी पानी टपक रहा है। तो आप सोचिए, अगर मंत्री के घर की छत से पानी टपक रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। लखनऊ में बारिश से काफी जलभराव है। मुख्य सड़कों के साथ साथ कॉलोनी की सड़कें भी बारिश से खराब हो गई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, जिन्हें स्कूल जाना है, और स्कूल जाना कंपलसरी है क्योंकि पढ़ाई करनी है, लेकिन जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पानी भरा हुआ है बाहर और प्रशासन और नगर निगम जो है वो अभी पस्त दिख रहा है। लापरवाही के आरोप लगातार प्रशासन और नगर निगम पर लगते रहे हैं, लेकिन ये हर साल की बात है। तो ये तस्वीर है लखनऊ की स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के घर की, जिनके घर की छत से पानी टपक रहा है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की घर की छत से पानी टपक रहा है और वहीं जो आम जनता है वो भी इस बारिश के पानी से परेशान है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कों की हालत खराब है, घर से दफ्तर जाना और दफ्तर से फिर घर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रशासन और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीजों पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हर साल बारिश होती है और हर साल प्रशासन की पोल इसी तरह से खुलती है।